पास में जो फंड है झंडे वाला 26 तारीख वाला व्यवस्था तो देना, हमें 20,000 झंडे थे पहले, तो फिर आगे की बात जब करेंगे। अच्छा, अभी मेरी आपसे बात होती है, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट अगर तय करेगा कि नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, सर्वोच्च अदालत का फैसला मानेंगे, लेकिन तो फैसला मान नहीं रहे उनका, अगर दिल्ली पुलिस मना करे तब? अरे दिल्ली पुलिस से तो बात करेंगे ना, हमने तो रूट दे दिया। हाँ, पुलिस से तो बात करेंगे, कहाँ है पुलिस, मिलवाओ उनसे। तो आप देखिए, झंडे नहीं दिए दिल्ली पुलिस ने अभी तो। जतिन, लेकिन दिल्ली पुलिस ये चिंता जाहिर कर चुकी है कि ट्रैक्टर रैली के नाम पर हो सकता है कि कोई असामाजिक तत्व दिल्ली में एंटर कर जाए, ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए पहचानना मुश्किल होगा कि कौन डिसेंट है कौन नहीं। मैं सीधे पूछ लेता हूं, देखिए स्टूडियो से सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ये चिंता भी जाहिर कर रही है कि कहीं ट्रैक्टर रैली में कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए। अच्छा, ये लाखों करोड़ों गाड़ी दिल्ली में चल रही, उसमें नहीं कोई घुस सकता, ट्रैक्टर में ही घुसेगा? अरे इनको क्यों भगाने का काम कर रहे? अच्छा, क्यों अपनी तरफ से भी आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही है, हम तो लगातार। कोई इस तरह का आदमी घुसागा उसका इलाज करेंगे हम, हमें कहीं मिल गया, हम तो डरा कोई ठावे तो उसका बता दे कि ये फर्जी आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लोग आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, जो खेतों में ट्रैक्टर चलता था वो दिल्ली में चल कर देख लगा सड़कों पर, और हमने तो कह दिया अंदर हम जाएंगे ही नहीं, जो बाहरी रिंग रोड है हम उस पर जाएंगे। आप देखिए, राकेश टिकैत जी को यहाँ एक्सक्लूसिवली सुन रहे थे कि पूरे मामले पर उनका रिएक्शन क्या है। सबसे पहले आईटीवी नेटवर्क पर राकेश टिकैत जी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और खुद की इंटेलिजेंस भी काम कर रही है, वो चिन्हित कर रही है कि अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व यहाँ पर है तो उसको यहाँ से हटाने का वो लोग काम करेंगे। जी जतिन, लेकिन बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात हम